हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र कुमार वर्मा आज आपके लिए लेके आऊँ जीने की वायरिंग। फ्रेंड्स, जो चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जो जीने की वायरिंग होती है वो किस तरह करते हैं, और जो जीने की वायरिंग होती है वो हमारे दो जगह से ऑपरेट होती है, यानी कि हम एक बल्ब को दो जगह से ऑपरेट करते हैं। तो आज हम वो देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे वीडियो देख लेते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कौन कौन से हम यहाँ पे उपकरण और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे दो टू वे स्विच, क्योंकि हमारे को इसको दो जगह से ऑपरेट करना है। एक यहाँ पे ले लेंगे लैंप, जिसको हम ऑपरेट करेंगे, और उसके लिए बल्ब होल्डर। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी और दे दूं कि हमारे जो टू वे स्विच और वन वे स्विच में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे जो वन वे स्विच होता है उसमें सिर्फ हम एक ही जगह से और एक ही चीज को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट फेज आता है और आगे हमारे उपकरण में फेज चला जाता है। बट हमारे टू वे स्विच के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हम एक जगह फेज देके दो जगह सप्लाई कर सकते हैं एक ही फेज को, यानी कि हम दो चीजों को इससे डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें यही मेन डिफरेंस है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसके कनेक्शन हम किस प्रकार करते हैं, और मैं इसके कनेक्शन करके आपको एंड में बता दूंगा कि इसका जो कनेक्शन है वो किस प्रकार हुआ है, और मैं इसका सर्किट डायग्राम बना के भी आपको समझा दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमने इसके कनेक्शन किए हैं, और इसके कनेक्शन समझाने के बाद मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर एक बार और बता दूंगा कि किस तरीके से इसके कनेक्शन करें हमने, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो एक बार इसके कनेक्शन हम देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते होंगे कि जो हमारे कोई भी उपकरण है, लाइट, फैन, फ्रिज, कूलर या कोई भी, उसमें जो न्यूट्रल होता है वो हमारा डायरेक्ट होता है। तो मैंने इसके लैंप के लिए न्यूट्रल जो यहाँ पे तार है वो डायरेक्ट ले लिया, और फेज जो तार है उसको मैंने ऑपरेट कर लिया हमारे टू वे स्विच से। और टू वे स्विच को मैंने इस प्रकार कनेक्ट किया है कि अगर मैं स्विच को एक बार नीचे की तरफ ऑन करूँ तो मेरा लैंप चल जाए, और इधर से दूसरे स्विच से उस स्विच को ऑफ करूं तो भी हमारा लैंप चालू हो जाए। वो मैं आपको एक बार व्हाइट बोर्ड पर और बता दूंगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो हम इसको एक बार सप्लाई देके चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार ये हमारा जो लैंप है वो किस तरीके से दोनों स्विच से ऑपरेट हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें देते हैं हम डायरेक्ट सप्लाई। तो जैसे कि मैं न्यूट्रल से न्यूट्रल और फेज से फेज कनेक्ट कर लेता हूं और इसको स्विच को ऑन करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा जो लैंप है वो ऑन नहीं हो रहा है, मतलब कि मेरा यहाँ से स्विच ऑफ है और इधर वाला स्विच भी ऑफ है। जैसे ही मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँगा तो मैं नीचे वाले स्विच को है वो ऑन करूँगा। ऑन करते ही मेरा लैंप स्टार्ट हो जाएगा और मैं ऊपर चला जाऊँगा, और ऊपर जाने के बाद मैं ऐसा तो नहीं है कि वापस नीचे जाके लैंप को ऑफ करके आऊँगा। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे दूसरा टू वे स्विच लगाया ताकि मैं ऊपर से ही उस लैंप को बंद कर दूँ। तो जैसे ही मैं ऊपर आ गया, अब ऊपर आते ही मैं जैसे ही स्विच को ऑफ करूंगा मेरा लैंप
वापस ऑफ हो गया। अब मैं ऊपर से वापस नीचे जाऊंगा तो इसको यहां से ऑन कर दूंगा और नीचे जाके वापस से इसको ऑफ कर दूंगा। तो ये था हमारा जीने की वायरिंग का कनेक्शन। फ्रेंड्स जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड मैंने बनाया है और इस बोर्ड का जो खास बात है, इस बोर्ड की जो खास बात है वो ये है कि हम इससे दो वर्क एक साथ कर सकते हैं। कैसे कि मैंने इसके अंदर टेस्टिंग के लिए भी यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैंप लगाया है और पैरेलल कनेक्शन, जैसे कि आप अभी देखे कि मैंने जो जीने की वायरिंग है वो इससे ऑपरेट करी है, तो वो भी मैंने इसके अंदर ही एडजस्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसकी वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, और जैसे कि आपको मैं एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि जो हमारा सीरीज टेस्ट लैंप है वो किस प्रकार वर्क करेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अलग से यहाँ पे लगा लिया है मैंने एक टू पॉइंट सॉकेट और यहाँ पे टू वे स्विच से दोनों साइड तक, जैसे अभी हम जीने की वायरिंग पे देख रहे थे कि दो तरफ से हम एक लैंप को ऑपरेट कर रहे थे, वैसे ही हम इसको दो तरफ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम किसी भी चीज को टेस्ट करेंगे कि वो ओपन सर्किट है या क्लोज। तो ओपन सर्किट होगी तो हमारा टेस्टिंग लैंप दोनों तार टच करने पर नहीं जलेगा, और जैसे कि क्लोज सर्किट होगी तो जैसे ही हम यहाँ पे किसी भी चीज पे या किसी उपकरण पर जैसे टच करेंगे, टच करते ही हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। तो ये थी हमारे सीरीज टेस्ट बोर्ड की खास बात। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, आप चल के वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। और एक बार हम जो हमारी जीने की वायरिंग कर रहे हैं उसका कनेक्शन भी हम देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे किस प्रकार है। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं हम इसके कनेक्शन जो हमारे किस प्रकार से हमने किए हैं। तो जीने की वायरिंग है तो सबसे पहले हम यहाँ पे जीना बना लेते हैं। ये हो गई हमारी सीढ़ियां और यहां हो गया हमारा टू वे स्विच और एक टू वे स्विच हमारा हो गया ऊपर की तरफ। इसके अंदर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि दोनों जगह दो फेज आने चाहिए, यानी कि हमारे एक ही फेज एक बार नीचे की तरफ ऑन करे तब भी जाना चाहिए और ऊपर की तरफ ऑन करे तब भी जाना चाहिए। तो मैंने यहां पे इसके नीचे वाले टर्मिनल को और ऊपर वाले जो टर्मिनल को बाईपास कर दिया यहां से। अब क्या होगा फ्रेंड्स एक बार यहां पे देख जो लैंप है वो कनेक्ट कर लेते हैं हमारे स्विच से और यहां लैंप को न्यूट्रल दे देते हैं हम डायरेक्ट और फेज हमारा स्विच को मिल गया। अब क्या होगा फ्रेंड्स कि जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम हमारे स्विच को एक बार ऑन करेंगे। कहां करेंगे? नीचे की तरफ या ऊपर की। अगर नीचे होगा तो ऊपर की तरफ और ऊपर होगा तो नीचे की तरफ। इस कंडीशन में क्या होगा कि मैंने मान लिया इसको नीचे की तरफ करा तो इसमें एक मेटेलिक प्लेट होती है जो एक बार नीचे करने पर नीचे वाले टर्मिनल से टच होती है और एक बार ऊपर करने पर ऊपर वाले टर्मिनल से टच होती है। जब एक टर्मिनल से टच होती है तो दूसरे वाले टर्मिनल से ओपन सर्किट हो जाता है वहां से। तो मैंने स्विच को कर दिया नीचे की तरफ ऑन। नीचे की तरफ ऑन करते ही मेरा फेज चला गया कहां पे? ऊपर वाले स्विच की तरफ। यहां ऊपर वाले स्विच की तरफ मेरा फेज आ गया। यहां इस टर्मिनल पे क्लोज सर्किट हो गया, यानी ऊपर वाले टर्मिनल पे क्लोज सर्किट हो गया। अब जैसे ही हमारा स्विच यहां से फेज यहां आया और हमारा स्विच नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ होते जैसे कि मैंने बता दिया कि इसमें जो प्लेट है वो नीचे वाले टर्मिनल से टच हो जाएगी। टच होते ही यहां फेज हमारा डायरेक्ट चला गया लैंप के अंदर और लैंप हमारा इस कंडीशन में ऑन हो जाएगा। अब मैं यहां पे आ गया। अब मैं यहां पे आते ही इस स्विच को कर दूंगा ऑफ। जैसे ही मैं इस स्विच को ऑफ करूंगा यहां से मेरी जो मेटेलिक प्लेट है वो ऊपर की तरफ टच हो जाएगी और नीचे वाले सर्किट से हो जाएगा हमारा क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हुआ। अब यहां तो क्लोज हो गया बट यहां आप देख पा रहे होंगे कि फ्रेंड्स जो नीचे से हमारे पास स्विच है उसमें हमने पहले जब नीचे से ऊपर आए थे तो हमने स्विच को करा था नीचे की तरफ ऑन। उस कंडीशन में ऊपर की तरफ तो क्या था यहां पे जो हमारा था वो था यहां पे ओपन सर्किट, ओपन सर्किट था। अब यहां से अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारा फेज
इस लैंप को नहीं मिलेगा, इस कंडीशन में हमारा लैंप ऑन नहीं होगा। अब मेरे को वापस ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे हम, इसी स्विच को वापस करेंगे नीचे की तरफ। जैसे ही हम इसको नीचे की तरफ करेंगे, वो मेटालिक जो पत्ती है हमारी वो ऊपर से हटकर नीचे टच हो जाएगी। पहले से हमारा स्विच यहाँ पे ऑन था, ऑन था तो यहाँ पे फेज हमारे को वापस मिल जाएगा और हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम करते हैं हमारे जो सर्किट इसका है जीने की वायरिंग का वो। और नीचे आते ही मैं वापस से वही प्रोसेसिंग अपनाने लग जाऊंगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। और फ्रेंड्स जो अभी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।